अस्सलाम वालेकुम। रात के 1 बज रहे हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ निश्तर हॉस्पिटल में। यहाँ ताया अबू एडमिट हैं और उनके लिए आए हुए थे, तो अब यहाँ से निकल कर जा रहे हैं। तो शाहिद भाई भी मेरे साथ हैं, आज थक बहुत गए हैं। हम निश्तर क्रॉस कर लिए, निश्तर से निकल आए हैं। थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है, कुछ मसरूफियत की वजह से 2-3 दिन में ब्लॉग नहीं बना सका, तो मैंने सोचा कि मेरे व्यूवर्स बहुत परेशान होंगे। तो इस वक्त मैं रात के 1 बजे निश्तर हॉस्पिटल से निकला हूँ, घर की तरफ जा रहे हैं और घर जा कर रेस्ट करेंगे और फिर सुबह दोबारा निश्तर हॉस्पिटल के आने हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ निश्तर रोड पर। ये सामने रफीदा हाल है निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के, जो डॉक्टर्स हैं उनकी रेजिडेंस है। और स्मोग अलर्ट है मुल्तान में, जितना हो सके स्मोग से बचें, मास्क इस्तेमाल करें और आंखों पर ग्लासेस इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके बहुत सारे नुकसान हैं। और स्मोग अलर्ट इस वजह से डिप्टी कमिश्नर मुल्तान और कमिश्नर मुल्तान ने लेटर भी जारी किया हुआ है। तो आपसे भी इल्तमास है कि आप अपना ख्याल रखें और अपने बच्चों का ख्याल रखें। अब हम यहाँ से जाएंगे, एक कोटाकारी पर चाय पीते हैं और उसके बाद घर के लिए निकलेंगे। आज का मेरा व्लॉग जो है वो कुछ ख़ास मौजू पर नहीं है, लेकिन ये है कि बस जी वीडियो बनाते बनाते पेट्रोल ने भी साइन दे दिया है, बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया, क्योंकि फ्यूल चेक किया नहीं था। देखते हैं जी अब क्या बनते हैं। खैर जी, चौक उठाई बाइक की और बाइक चल पड़ी, वरना बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो जाए और या फिर बाइक पंचर हो जाए, इससे बड़ा जलालत वाला सीन कोई नहीं है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बाइक के पेट्रोल कभी कम नहीं हुआ, तो आज मैं सुबह से इस बाइक को यूज़ कर रहा था और मेरी नेगलिजेंसी ये है कि मैंने इसका फ्यूल चेक नहीं किया। खैर थोड़ा फासला ही है जहाँ पर पेट्रोल पम्प है, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गिलानी यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक वज़ीर आज़म जो रहे हैं। सामने आपको नज़र आ रहा है PSO पम्प, यहाँ पहुँच चुके हुए हैं। यहाँ से हम फ्यूल डलवाएंगे और फिर आगे का सफ़र जारी रखेंगे। जी ये शाहिद भाई भी पीछे बैठे हुए हैं और थके हुए हैं काफ़ी। शाहिद भाई सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत तो ठीक है लेकिन थकावट बहुत हो गई। शाहिद भाई बता रहे हैं जी तबीयत तो ठीक है लेकिन थकावट तो बहुत हो गई है। ये कोई नई बात बताएं शाहिद भाई, थकावट तो मुझे भी हो गई है। ये आपने कोई मज़ेदार बात बताई नहीं है। क्या करें, सारा दिन तो भागते रहे हैं, 1 मिनट तो बैठे नहीं। भाजी ये तो फिर मामला ज़िंदगी है। 4 रात से मैं सोया नहीं। शाहिद भाई कह रहे हैं जी पिछले 3-4 दिन रातों से मैं सोया नहीं हूँ। अल्लाह पाक सबके वालदैन को लंबी ज़िंदगी अता करे और शाहिद भाई के वालिद को जल्द सेहत याबी अता करे, आमीन। और देखे इंसान है वो कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी हार जीत मौत फौत मौत और ज़िंदगी रब के हाथ में है, जो आया उसने जाना तो है ही है, लेकिन हमारे से हमें जो हमारे वालदैन हैं ये हमारे सर की छत हैं। अल्लाह पाक सबके वालदैन की उम्र दराज करे और शाहिद भाई के वालिद की जो तकलीफ़ है उसे दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। और हम इस वक्त कैंट मौजूद हैं और कैंट पहुंच चुके हैं हमें अपने नशा पॉइंट पर, क्वेटा कारी पर। आप जहाँ मर्जी फिरते रहें लेकिन क्वेटा कारी जैसी चाय कहीं नहीं है। क्वेटा चाय कारी लाल कुर्ती और सादिक चाँप के सामने वाले क्वेटा कारी, यहाँ जैसी चाय आपको पूरे मुल्तान में कहीं नहीं मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह चाय आ गई और शाहिद भाई उधर मुकर के छुपके छुपके से चाय पी रहे हैं।
चाय चाय भाई चाय चाय कैसी लग रही है आपको? हम जहाँ मर्जी हो, जहाँ जहाँ जितना मर्जी खाना खा लें, लेकिन चाहे आउट ऑफ सिटी हो, चाय हमने सिर्फ कोटा कारी से पीनी है, इसके अलावा चाय नहीं पीते हम चाय पी रहे थे और हमने एक ना अंकल को देखा वैगन आर में बैठे हुए थे। माशाल्लाह बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है और इनके चेहरे पे सुन्नत नबी भी बहुत प्यारी लग रही है। और जब मैं चाय पी रहा था और बैठा, मैंने दूर से एक चीज़ नोट की कि अंकल ने वैगन आर रखी हुई है और इसके अंदर ना एक पंखा लगाया हुआ है। इसकी मुझे समझ नहीं आई, तो ये देखते हैं और पूछते हैं अंकल से कि अंकल ने ये पंखा जो लगाया है ये किस लिए लगाया है, इसकी मेन वजह क्या है। थोड़ा सा क्लोज कर लें ताकि अंकल की आवाज़ भी, अंकल थोड़ा सा वाइस क्लियर कीजिएगा। अच्छा अंकल, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मुल्तान से। अच्छा, मैंने वहाँ बैठा चाय पिया था, अगर आप नाराज़ ना हो तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने फैन किस लिए लगाया? हाँ, वो भी गाड़ी के अंदर, वो भी अपने फेस के सामने। शायद भाई थोड़ा क्लोज करेंगे, अंकल की बात सुननी है। दरअसल हमारा काम है ऑनलाइन टैक्सी राइड करना। अच्छा, तकरीबन काफ़ी टाइम जो है ना गाड़ी के अंदर गुजारना पड़ता है। चाहिए, अंकल कह रहे हैं कि असल पे हमारा काम है ऑनलाइन टैक्सी का, मतलब ज़्यादा टाइम मुझे इस टैक्सी गाड़ी में गुजारना पड़ता है। चलिए ठीक है अंकल, वो आपकी बात ठीक है, राइड तो हर दूसरा बंदा कर रहा है, लेकिन ये है कि आपकी गाड़ी एसी है, तो क्या वो गाड़ी जो मतलब जो एसी है वो क्या आपका जो पैसेंजर है वो पे नहीं करता? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जब हम रुकते हैं ना, हाँ जी, गाड़ी में बंद होती है तो पेट्रोल को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये फिर टाइम लगता है। अच्छा, और आपने बात से बहुत अच्छी बताई है, माशाल्लाह आप एक हमारी काबिल एहतराम पर्सनैलिटी हैं, लेकिन जो आपने इंजन इस तरह लगाया बिल्कुल फेस के सामने है, कभी मतलब गफलत में, यानी ये चलाते तब है जब गाड़ी रुकी हो, अदरवाइज नहीं चलाते। हाँ जी ठीक है, अंकल बता रहे हैं जी, जब गाड़ी रोकता हूँ गर्मी का शिद्दत होती है और यानी फ्री टाइम होता है, तो उस वक्त मैं गाड़ी का फ्यूल, बंदा हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, इतनी महंगाई है, इतना फ्यूल महंगा हो चुका है। और ये अंकल कह रहे हैं उस टाइम मैं फ्री बैठा होता हूँ तब गाड़ी बंद होती है, तो ये बैटरी पर चल रहा होता है पंखा। अंकल ने बहुत खूब बात की है और अंकल मुझे इस्लामी भाई लग रहे हैं, वो इस वजह से कि अंकल की जो ड्रेसिंग है, अंकल के बोलने का स्टाइल और अंकल की जो माशाल्लाह जुल्फें हैं ना, ये बता रही हैं कि आप यानी दावत इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं। क्या ये मैं ठीक कह रहा हूँ? अच्छा माशाल्लाह, आप यहाँ मुल्तान कौन सी जगह काम करते हैं? कुर्सी नंबर 6 से हैं अंकल जी। इस टाइम मेरे ख्याल कोई सवारी छोड़ के ड्रॉप किया होगा, तो अंकल का दिल कर गया है यहाँ पर कोई क्वेटा गाड़ी पे दूध वाली बोतल पी जाए। क्या ऐसे ही अंकल जी 24 आवर आपका काम यही है? तो ये कौन सी राइड इस्तेमाल करते हैं आप? इन ड्राइव। तो इसमें ये बताएंगे कि अगर हम मैंने यहाँ से कैंट से 9 की जाना है, तो मैं अपना वहाँ टाइम जैसे वो होता है अपना उबर होती है या फ्री में वही चीज़ है? अच्छा, तो उबर क्रीम से लोग काफ़ी तंग आ चुके हैं कि अपना उसकी जिन्होंने जिन्होंने गाड़ी लगाई उसको छोड़ दिए हैं कि आप इतनी आगे हुई है, तो क्या चीज़ ऐसे चल रहे हैं आप गाड़ी ड्राइवर? अंकल कह रहे हैं कि मैं इसकी हवा खाकर टाइम ज़्यादा लगाता हूँ और 24 आवर गाड़ी को देता हूँ, फिर जाके मैं अपने बच्चों का पेट फिर पाल सकता हूँ। महंगाई का ये आलम हो चुके हैं कि हर बंदा हर दूसरा बंदा परेशान है, ठीक है ना? अंकल कह रहे हैं 24 तो नहीं, जाहिर सी बात इंसान है थक जाते हैं और रेस्ट की भी ज़रूरत होती है। अब देखें रात के तकरीबन 1:30 बज रहे हैं और अपने बच्चों को पेट पालने के लिए अंकल निकले हुए हैं। इस उम्र में माशाल्लाह 50+ अंकल की है, जो अल्लाह पाक इनकी लंबी जिंदगी है इनको दे और हमारी दुआएं इनके साथ हैं। बहुत शुक्रिया अंकल, आपने हमें टाइम दिया और इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। नाम मेरा पुरम शहजाद है, मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, तो हमारे हक में भी दुआ कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।